जब मैं इन जनाब को देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज लाइक गॉट अबाउट 700 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम. लोग ऑलवेज ये बोलते थे आंखें बहुत बोलती हैं, और रणवीर ब्रार की आंखें ने ऑलवेज बहुत बोला है, वो बात अलग है. इनके हाथों ने हमें बहुत खिलाया है. बट अ मैन हुज जस्ट आई थिंक हैज लिव्ड मेनी लाइव्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और अब एक नया अवतार जो इनका देखा, मैंने कहा माई गॉड. आई से मेनी अवार्ड्स आर कमिंग इज वे. इफ यू सीन बकिंगम मर्डर्स आपको समझ में आएगा. एक तो टोनैलिटी ऑफ फिल्म इतनी कमाल की है, लेकिन रणवीर ब्रार से मिलके ऑलवेज बड़ा खुश लगता है. सैडनेस ये है कि भाई कोई डब्बा नहीं लेके आया सर. नमस्कार सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए. सर आर यू डूइंग वेरी गुड. ओहो यार, डब्बे से ज्यादा है. फोन दो यार, इंटरव्यू बाद में होता रहेगा, पहले पंजीरी खिलाते हैं इसको. खाएंगे पहले. बट मैं ऑलवेज बड़ा इंट्रीग्ड रहता हूँ, बड़ा जेंटलमैन. देखिए जब भी हम रणवीर सर से मिलते हैं, इज ऑलवेज गॉट लॉट ऑफ, एंड यू नो आई हैव सीन मेनी अवतार्स ऑफ यू ऑफ लेट. टेलीविजन पर अलग अलग किस्म के शोज हो रहे हैं, यू नो यूव branched out a lot. You were always one of the favorites. But somehow I feel the last one or two years mein suddenly lots of Ranveer Brar everywhere. Ye kaise ho gaya? I wish I knew. Suddenly sabke favorite? I think that's a very kind statement. Pehli cheez to hai ki itna aapne itna zyada kuch itna acha bol diya. चार हफ्ते से मैं घर पे बिस्तर पे लेटा हुआ था, अचानक से बाहर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट रियली फील्स गुड टू वन कम आउट, टू मीट यू, थ्री हेयर सो मच, गेट सो मच वार्म्थ फ्रॉम यू. तो पहले उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दूसरी चीज आई थिंक पिछले जो दो साल की बात है वो ये है कि मजा आ रहा है. दो साल में क्या हो रहा है ना, मीडियम को समझना, उसको एक्सप्लोर करना, अच्छे लोगों से मिलना. Sometimes things just start coming together. Correct. I think that's basically what is happening. And I don't want to overthink it. I've never overthought anything in my life. Lekin, you know, I always go back to my 18-year-old self. Mujhe 17 saal ka laga tha na, jo bolta tha yaar ke yaar, nahi yaar, sirf ye cheez mujhe define nahi kar sakti. Sirf ye cheez, sab log engineer ban rahe hain to main engineer kyun banu? Sab log doctor ban rahe hain, main doctor kyun banu? Nahi, mere ko to kuch aur karna hai. Nahi, why should this define me? So I think wo thoda sa उस लड़के से बातें ज्यादा हो रही है मेरी आजकल, यू नो. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि कई बार ये भी होता है जब आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच चुके होते हैं ना, एंड आई फील कि आप इतनी ब्यूटिफुली आपने अपनी कलिनरी जर्नी को लोगों के पास पेश कर दिया, खुद कर लिया, यू नो दिस. मुझे ऐसा लगता है कि यू रीच द समिट ऑफ यू एज ए फूड कॉनोसोअर स्लैश शेफ. नाउ यू कैन ब्रांच आउट बिकॉज दिस इज नाउ सेकेंड स्किन टू यू. ये कभी खराब नहीं हो सकता, मुझे ऐसा कई बार लगता है. और बहुत लोगों का ऐसा होता है, जैसे बड़े बड़े बिलियनर्स का होता है ना, वो चैरिटी करना शुरू कर देते हैं जब बहुत बड़े अमीर हो जाते हैं, बिकॉज दे फील दे वांट टू गिव बैक. और मुझे लगता है कि यू वांट टू गिव बैक टू रणवीर ब्रार योरसेल्फ एंड नाउ एक्सप्लोर ऑल योर अदर फैसेट्स. या नो, आई थिंक सम पार्ट ऑफ इट आई डेफिनेटली एग्री. आई थिंक क्या है कि आप ये रियलाइज करते हैं कि शेफ तो आप हैं. हाँ, है ना. एंड दिस इज लाइक स्विमिंग और साइकिलिंग. हाँ, अब आप भूल नहीं सकते. करेक्ट, राइट, करेक्ट. यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग लाइक शेफ रणवीर. आप खाने के साथ आपका रिश्ता इवॉल्व ही होगा. राइट, राइट. तो वो आप समझ के उस स्पेस में सिक्योर हो जाते हैं. उस स्पेस में आप ओवर ट्राई करना बंद कर देते हैं. सडनली आप रियलाइज करते हैं कि आपके पास वक्त है, यू नो. सो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली हैपनिंग. अ सर्टेन सिक्योरिटी इन हु यू आर, हु यू बीन फॉर 30 इयर्स, एंड अ सर्टेन सेंस ऑफ कंफर्ट अराउंड इट गिव्स यू द टाइम एंड द मेंटल पीस टू बी मोर. बट यू नो it's incredible, and I asked him this one question before also. The most surprising performance for me in Buckingham Murders was from the first person who had not. So the thing with Ranveer sir is, it's not like we've seen him on the screen for so long. So obviously wo samajh chuke hain ki bhaiya kaise performance deni hoti hai, but this was not a performance. Main aapko ek baat bataun, ek badi baat bol raha hu. Irfan sir na mere bade kareebi the, bade favorite the, kyunki kuch bhi karte the wo. हम लोग जब यही बिफोर यू का शूट हम लोग जब फिल्मिस्तान में करते थे, ही यूज्ड टू शूट क्या कहें के लिए करते थे वहाँ, और बाहर बैठ के हवा में देख के बातें शो होती थी उनकी, बड़ा एक ठहराव होता था. यू हैव बॉट दैट ऑन स्क्रीन विद यू, एंड ये बड़ा वो मुश्किल होता है फॉर अ पर्सन हु हैज़ गॉट अ वेरी बिग नेम, यू आर अ वेरी बिग सेलिब्रिटी. ये आपका सिर्फ सेलिब्रिटी डम कम कर सकता था, लेकिन इसने इसको एक्सप्लोर कर दिया. आई एम यू नो सो इम्प्रेस्ड विद योर परफॉर्मेंस. जब आप मतलब जिसने फिल्म देखी है, इतना रिस्ट्रेंड कैरेक्टर फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, एंड देन देयर अ बिट ऑफ एन एक्सप्लोजन टुवर्ड्स द एंड, दिस कैन नॉट बी टॉट. एंड इवन दो हंसल सर इज देयर, एंड इवन दो कास्ट इज अमेजिंग अराउंड यू, यू आर अ बॉर्न एक्टर.
यू वर, और मैंने बड़े इंटरव्यूज पढ़े हैं जहाँ आपने फिल्में बहुत देखते हैं, फिल्में को बहुत, बट एक्टिंग तो अंदर से ही आती है. लाइक करीना कपूर ऑल्सो, करीना से मैं कभी कोई रिहर्सल नहीं करती, मैं तो बस ऐसी. यू आर ऑल्सो बॉर्न एक्टर, डिड यू फील दिस इन यू, वॉज ए स्कूल पे स्टेज पर आप बड़े प्रोलिफिक थे या कभी कुछ ऐसा था, तो कैसे? स्कूल में सर मैंने एक स्टेज पे चढ़ के सिर्फ काव्य पाठ किया है बस. अच्छा. आई यूज टू बी वेरी गुड एट पोइट्री. राइट. तो कविताएं कभी खुद की या कभी हरिवंश राय बच्चन साहब की या कभी रामधारी दिनकर जी की या कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सिर्फ कविताएं पढ़ता था स्टेज पे. कभी मैंने जिंदगी में स्टेज पे एक भी ड्रामा नहीं किया. बट आई एम शॉक्ड एट, सी द ईज इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो एक बात और है, बट आप थोड़े ना रणवीर ब्रार प्ले कर रहे हैं. नहीं, बट जो भी प्ले कर रहे हैं, आई थिंक जो भी प्ले कर रहे हैं, आप इतनी दुनिया देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर सब है. You have it. You sometimes you don't want to navigate the gray. But it doesn't mean you don't have gray. It doesn't mean you don't those thoughts don't exist, that place. We meet so many people, they all live in us. Correct. अब मैं मतलब बहुत जिंदगी जी ली है यार. बार बार बोल रहा हूँ 50 का होने वाला हूँ, बट मैं वो चीज नहीं खेलना चाहता. बट इतने लोग सर, आप 50 के हो, हम भी 45 के हो गए सर. वो क्या है ना, थोड़ा मेकअप पहले से डिपेंड्स ऑन हाउ गुड द मेकअप इज ऑन द डे. But so, you know, I'll tell you what, there is a tendency for actors when they just burst onto the screen, even if they're big, thoda extra karne ke liye. I didn't see that in you. Was that all Hansal or was that you? It was mostly Hansal, sir. Okay. It was mostly Hansal, sir. Unhone, Hansal sir ne, pehle mere ko Mukesh bade tension mein tha. Mukesh Paji is such a dear friend. Kehta, yaar, Ranveer, aapa workshop karni hai, tu mere ko le aayi, we'll do it for 6 days. I at least need 6 days with you. We'll rehearse those scenes. We'll do this. Kareena ke saath wale scene hai, yaar. Abhi, mera bhi naam hai Ranveer. So, uske baad Mukesh being Mukesh, Mukesh busy ho gaya. Mukesh, matlab Mukesh Chhabra jo casting director. Haan. Yes. So, wo busy ho gaya. London mein aisa koi wo nikal aaya, koi shoot nikal aaya, kahin chala gaya. Fir uska शूट से 2 दिन पहले कॉल, यार हमने कुछ किया भी नहीं है, तूने स्क्रिप्ट पढ़ी, ये पढ़ी? तो मैंने कहा हाँ, जितनी मेरे को दी मैंने पढ़ी, बट वो बोल रहे चेंज हो गई. उधर मैं कहते तू वो रीडिंग, तो हंसल सर क्या करते हैं, पहले सारा क्रू बैठ के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, द इंटायर कास्ट विल सिट एंड रीड द फिल्म. ओके ओके. मैं उसमें भी नहीं था, तो मेरा कोई और शूट चल रहा था. तो बड़ी टेंशन में था मुकेश, सबसे ज्यादा टेंशन में मुकेश पाजी थे. अच्छा. उसके बाद मैं वहां पहुंचा, 2 दिन पहले पहुंचा शूट के. पहले दिन मैंने हंसल सर को मैसेज किया, मैंने कहा सर आई एम हियर. हंसल ने आगे से ऐसे थम्स अप कर दिया. अच्छा, वाह. मैंने कहा व्हाट अ ग्रेट कम्युनिकेटर. मैंने कहा सिर्फ मेरे को ही टेंशन है क्या? फिर अगले दिन मैंने बोला सर यू वॉन्ट मी टू कम मीट यू. कहते हैं या आई टेल यू करके उन्होंने वो अगले दिन शूट था मेरे को किसी ने बोला कि हाँ शूट खत्म हो गया, आंसर आ गए. मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो? कहते आलू गोभी बना रहा हूँ. मैंने कहा रुको. मैंने कहा आलू गोभी मैं बना देता हूँ, मैं आ जाता हूँ. और ये भी एक और बात है, हंसल सर भी बड़े कमाल के कुक हैं. आउटस्टैंडिंग. बट ऑब्वियसली बात है, अगर रणवीर ब्रार सेट पर हो तो ऑब्वियस. सर आप क्या वो ही हो, मतलब कि आ जाओ तो कुछ बना लो, मेक समथिंग एंड देन वी विल चैट, ऐसे ही रहता है आपका? सो वही था. तो उसके बाद हंसल सर ने मुझे बोला कि देख भाई रणवीर, खाना वाना हो गया. मैंने बोला सर अब कुछ बता भी दो मेरे को, अब जेन्युइनली कल पहला टेक है, मेरी फटी हुई है अभी. तो कहते हैं फर्स्ट सीन यू शॉट, फर्स्ट सीन वाज वो नलका खुला हुआ वाला. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके. सो फर्स्ट सीन वाज विद करीना वेयर शी कम्स फॉर इंटरोगेशन. तो कहते हैं हाँ कोई नहीं, हो जाएगा तेरे से, मेरे को पता है, मैंने तेरे साथ मॉडर्न लव शूट किया है, कर लेगा तू, ज्यादा सोच मत. मैंने कहा वो तो कर लूंगा कुछ तो आप मतलब समथिंग. कहते स्टिलनेस. कहते स्टिलनेस, बस कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ स्टिलनेस चाहिए. पता नहीं लगना चाहिए कि बंदे ने क्या बोलना है क्या नहीं है. तेरी जो कैरेक्टर की समझ है उसके अंदर से स्टिलनेस ऐड कर दे बस. तो वो जो आप बोल रहे हो ना कि एक होल्डिंग बैक, दैट केम फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन. उसके बाद फिर वो सिर्फ वहाँ पे बैठे बैठे वो ऐसे करते रहते हैं बस, कि थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा सुर नीचे कर, थोड़ा ऊपर. वो वंस ही बिल्ड्स दैट रैपो विद यू, देन आफ्टर दैट ही डजंट, ही ओनली डज अ लिटिल बिट ऑफ दिस दैट, नथिंग मोर. बट यू आर ऑल्सो वर्किंग विद अ पर्सन, एंड आई रिमेंबर हैविंग मेट करीना सो मेनी टाइम्स ओवर द इयर्स, शी सेड यार दिस व्हाट इज एक्टिंग, आई जस्ट कम एंड आई जस्ट डू इट सलील, आई कांट डू ऑल दिस रिहर्सल एंड नॉट टू मच. सो वर यू सरप्राइज्ड एट हाउ कैजुअल येट हाउ परफेक्ट शी इज विद द परफॉर्मेंस? आई वॉज सरप्राइज. देखो सरप्राइज तो होता है कि आपको उम्मीद ना हो, यहाँ तो आपको उम्मीद थी है ना,
और हर कोई जो है वो, और आप जानते हैं कि इतने जनरेशन्स, मतलब 4 generations से फैमिली है, तो एक्सपेक्टेशन थी, तो सरप्राइज नहीं था. लेकिन जब आप होते हुए देखते हैं वो चीज, व्हेन यू सी इट हैपनिंग, व्हेन द डायरेक्टर गोज एक्शन एंड यू सी करीना ट्रांसफॉर्म लाइक देयर इज अ बटन, तो आप ऑ में आ जाते हैं. सो इट वॉज मोर शॉक एंड ऑ, यू नो, सरप्राइज नहीं था. बट वो जब आप होते हुए देखते हैं ना, इट्स वेरी डिफरेंट. शी इज जस्ट एवरीथिंग. वो हम लोग बोलते हैं ना, जीन्स कुछ होता है. हाँ, ऑफ कोर्स कुछ तो होता है. हर चीज भाई, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए इज द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड. बट दैट इज बट यू नो आई नो दैट शी ऑल्सो रियली रिस्पेक्ट. सो पहले दिन जो होता है ना, थोड़ा साइज अप होता है कि मेरा क्रिकेट पिच की तरह होता है ना, ऑपोजिशन किस तरह है, मेरे को पार्टनर्स कैसे हैं. सो आई नो लॉट ऑफ प्रेजेस कम फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स फॉर यू एज वेल. Were you very nice and happy and calm after your first shot? And what was the exchange like? तालियां वालियां हुई थी कैसे? Yeah, very good. First shot में, first take में हंसल सर ने ऐसा मुंह बनाया था. तीन दिन बात करनी चाहिए थी. तब that was the moment when I had to decide, boss, am I in it or not in it? अच्छा. कुछ नहीं उन्होंने, मतलब वो फर्स्ट शॉट मेरे लिए लिटमस टेस्ट था वो. मतलब बोलते हैं ना कि वो आग पे चलने वाला था. उसके बाद एक बार जब मुझे, मैंने मेरे पैरों तले जमीन खींची कि मैंने कहा, रणवीर, were you nervous for the first time? हाँ, कि इज दिस टू बिग फॉर यू, हैव यू बिटन मोर देन यू कैन चू, राइट? और मैं आई ऑलवेज गो बैक टू फ्रैंक सिनाट्रा जी. You know, when in doubt, I chew it and spit it out. Wala jo hai na. Nice. So I took that moment. Maine bola, sir, aap batao. Kehte, stillness, nature. Next take was okay. Uske baad, do takes se zyada kisi scene ke nahi. Achha. I think wo first take mein wo jo ek wo hota hai na, ki pura establishment in front of a cast jo aapko janti hai. सब जो आपको जानते हैं, लेकिन आपने ये अवतार नहीं देखा. अभी भी मेरी फट गई है सोच के. दैट मोमेंट दैट आई फेल्ट जब उन्होंने किया ना, वाओ. एंड ही डिडंट वांट करीना टू सी दैट, सो ही डिड लाइक दैट. मुझे लगा यार अभी इस बंदे की इज्जत का भी सवाल है. वाह. कहा बॉस करना तो है. अभी बैठ गए कुर्सी पे तो मुकेश का फोन आया कुछ दिन बाद. नहीं, मुझे फोन आया एडिट्स के बाद. तब तक सबने बोला बड़ा अच्छा. एडिट के बाद एक्चुअल फोन आने शुरू हुए. अच्छा. हाँ, जब लोगों ने एडिट, और मैंने एडिट देखा ही नहीं. मैंने फिल्म किसी भी स्टेज पे नहीं देखी, मैंने सीधे मामी में देखी. अच्छा. हाँ, मैंने कहा भाई मैं बहुत ज्यादा, मैं इतना क्रिटिकल हूँ खुद को लेके. हाँ. कि मैं अपने आप से इतना नाराज हो जाऊंगा खुद से बात करना बंद कर दूंगा टाइप. तो मैंने नहीं देखी. बट ये रिएक्शन थोड़ी देर में जाने है, कैसा इनका रिएक्शन था? बिकॉज I can tell you something that I was blown away. You know, मैं जब भी कोई फिल्म देखता हूँ ना, मैं उसका कोई रिव्यू देखता हूँ ना ये, अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया पिछले 6-7 साल से. बिकॉज मुझे लगता है कि आई डोंट बी टेंटेड बाई इट. एंड येस, ऑफ कोर्स यू नो दैट देर आर वन आर टू बिगर नेम्स दैट आर देयर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड दैट इज देयर. एंड आई वॉज जस्ट शॉक्ड बिकॉज एवरीथिंग वॉज सो मेजर्ड विद रणवीर. यू नो, ही वॉज जस्ट ब्रिलियंट इन दैट. एंड ऑल्सो सो ब्रिलियंट वॉज करीना इन दिस ऑल्सो. देखिए, कह रहे हैं कि सोलो फिल्म नहीं होती है, केमिस्ट्री हर किसी के साथ बनानी पड़ती है, चाहे वो सारा जेन के साथ एक सीन हो, चाहे इनकी वाइफ के साथ एक सीन हो. ऑल ऑफ दोज लिटिल यू नो परमिटेशन कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू गो. एंड हंसल सर इज परहैप्स वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम. देखिए, प्यार ना एज एन एक्टर आपको आपके क्राफ्ट के लिए मिल जाता है, लेकिन एक शेफ का जो क्राफ्ट होता है ना, वो दिल खुश कर देता है यार. और रणवीर सर ने कितनी दुनिया को खुश किया है ना, महक के साथ में, विद वन टेस्ट. आज वो अपने परफॉर्मेंसेस के साथ इन बकिंग मर्डर्स, ही इज जस्ट स्पेक्टेक्युलर. डिड यू डू, बिफोर वी आस्क अबाउट योर रिएक्शन ऑन मामी व्हेन यू सॉ योरसेल्फ, एक होता ना एक सेलिब्रेटरी पार्टी होती है आफ्टर द फिल्म इज ओवर, तो ये क्लिशेड सेंस में आपने रखी या फिर कहाँ रखी गई थी? ये रखी गई थी हंसल सर के घर पे. अच्छा. और खाना बनाया था उन्होंने और हमने. अच्छा. और 25 किलो गोश्त था. अच्छा. 25 किलो गोश्त था. Was there a critical debate as to how it should be made by the great chef and Hansal sir? बहुत अच्छा बनाते हैं. Was there? बहुत अच्छा. नहीं, कुछ चीजें Hansal sir ने बनाई, कुछ हमने बनाई. अच्छा. तो मुझे याद है बटर चिकन था. अच्छा. एक गोभी मुसल्लम था. वाह. एक निहारी थी. Oh my God. एक पुलाव था कोई, और एक लाहौरी दाल थी. सर अगली बार आप
जो भी फिल्म करें ना उसके लिए मैं भी मुकेश को जानता हूँ, जस्ट लेट मी ऑडिशन. मुझे लगता है कि सिर्फ खाने के लिए बड़ा मजा आया वो खा वो मतलब आई थिंक हम 30-35 लोग थे. सबसे पहले दाल खत्म हुई. अब 5 किलो दाल थी, मतलब आप समझ लीजिए कि 60 आदमी खा सकते थे, 35 लोगों ने सबसे पहले दाल खा ली. Why? I really want to go. Hansa Sir's house was always, it's always an open house for all these things. And when a person is sitting right there, you know, you're looking at yourself. I think your professional career is also flashing by your eyes जब आप अपने आप को देख रहे थे. क्या आपको ऐसा लगा एंड में कि very nice यार, मैंने अपना अपने अपनी इज्जत बचा ली, I've done a good job. हाँ, सबसे पहला रिएक्शन ये था कि इज्जत बच गई. करेक्ट. सबसे पहला रिएक्शन सिर्फ सबसे पहला वही था कि इतने सारे लोगों के बीच में आप बैठे हैं, इज्जत बच गई. क्योंकि जिस तरह लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे के, और जिस तरह मतलब दे रियली हेटेड द कैरेक्टर. यस यस यस, व्हिच इज फैंटास्टिक, व्हिच इज लाइक यू नो हाफ द जॉब डन. तो आई थिंक वो था. दूसरा कुछ चीज़ें आप सोचते, हर कोई सोचता है ना, सोचने का तो हक हर एक को है. तो मेरे पास वो जो 23 दिन का स्केड्यूल था, मैं लंदन में ही था जी, तो मैं रोज आके मैंने कैरेक्टर छोड़े ही नहीं. क्या करना छोड़ के, ये आपको रणवीर बनने की जरूरत तो है नहीं. कोई इंटरव्यू नहीं देने जाना, घर नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, रहो कैरेक्टर में. तो बहुत फिर मैं बहुत सोचा तो कुछ चीज़ें मेजर करी, कुछ खींची, कुछ दी, कुछ डाली, कुछ निकाली, यू नो. And it's sort of, it's very, I found it very similar to cooking, is it not? थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया तो थोड़ा थोड़ा डाला, थोड़ा निकाला, कहीं पे तड़का लगाया, कहीं पे नहीं लगाया, कहीं पे सिर्फ धीरे धीरे सिमर होने दिया, कहीं पे बाद में सीटी फटी. तो मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को, परफॉर्मेंस वाली जो चीज़ है ना, उसको थोड़ा 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 खेलता था उसके साथ. वो चीज़ें जो ट्रांसलेट हुई ना, फॉर एग्जाम्पल जब वो फ़ोन, जब सब पहली बार उसकी वाइफ का इंटरेक्शन, जब आप उसके रियल रूप देखते हैं, जब वो नॉक करती है और वो बाहर आता है फ़ोन छोड़ के और हाथ पकड़ होता है उसका, यू नो दैट मोमेंट एंड हाउ सॉर्ट ऑफ इट टर्नड आउट. वो चीज़ बहुत एक तरीके से सोची थी मैंने, उस तरीके से लैंड हुई. नाइस. तो वो मोमेंट्स मुझे बड़े अच्छे लगे, जो छोटे 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 मैंने ये रेसिपीज क्रिएट करी थी बीच में. वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू गॉट फ्रॉम द ग्रुप देयर, समवन यू रिस्पेक्ट ट्रेमेंडस. आई थिंक सैफ वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम अप. अच्छा. सैफ वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम अप एंड ही सेड के दुनिया का कोई भी एक्टर ये फिल्म देख के ये नहीं बोलेगा कि तुम एक्टर नहीं. एब्सोल्युटली, मैंने भी यही बोला आपको, पॉसिबल ही नहीं है. ये मेरे को एक उड़ान फिल्म की याद आई जिसमें रोनित रॉय ने बहुत ही एक वेरी बैड कैरेक्टर किया, वंडरफुल, ही वाज अ वेरी बीटिंग पर्सन, मिसोजिनिस्टिक पर्सन. उसकी मुझे थोड़ी याद आ रही थी बाद में. ऑफकोर्स दैट वॉज क्वाइट ओवर द टॉप, बट आई रियली फील दैट नाउ आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ये, बिकॉज देयर इज नो चांस दैट यू कैन नॉट हैव अ पैरेलल करियर. यू हैव टू हैव अ पैरेलल करियर नाउ. या फिर मुझे लगता है कि आपको अभी आपकी जो बर्थ राइट है बीइंग अ शेफ, उसको थोड़ा सा आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं. आई थिंक यू शुड रियली पर्स्यू इट इन वेरी लार्ज वे, लाइक हाउ बमन ईरानी सर डिड. बमन ईरानी सर स्टार्टेड एक्टिंग इन 45-50 एंड लुक एट वेरी रीच्ड. तो आपका ये प्लान है कि नहीं है? सर प्लान तो हमने जिंदगी में नहीं बनाया यार, बट अब तो बना सकते हो सर. आई थिंक नो, बट देयर इज नथिंग दैट हैज कम एज ऑफ येट. कोई काम नहीं आया अभी तक. तो मतलब आप बाहर कहाँ गए हो? ये तारीफें और काम कनेक्टेड नहीं है शायद. लेकिन so practical about it, लेकिन नहीं नहीं, but Mukesh would have said something. At the end of the day, no, I think जिन लोगों ने आप पर trust किया और आपने वो trust, वो ज़्यादा matter करता है. I think first thing I did was I sent a message to Mukesh. Yeah. And Mukesh said नहीं नहीं और काम करेंगे. मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन thank you for believing in me. वो ज़्यादा ज़रूरी है. Right. क्योंकि that moment when you were sitting in that seat and the first take did not go okay, your trust and Hansal sir's trust is what made me stick on. Right. And the ability to prove myself, because you'd stuck in your nose for me. Yeah. That I want to close. How did that happen? But how does a Ranveer Brar come into this equation? Ye Mukesh aisa to nahi jo aap roz unse milenge, you know, how did this happen? Yaar, humne ek wo series kari thi Amazon pe, Modern Love. Right. To Modern Love mein हंस सर को वक्त मिला हमारे साथ, 6-7 दिन मिले. तो ऑब्वियसली कुछ उस समय ऑन स्क्रीन एक पर्सोना था, ऑफ स्क्रीन पर्सोना था. उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया. आई थिंक ही अंडरस्टूड हाउ फार ही कुड स्ट्रेच मी, वेर यू कुड गो. एंड ही सेड, ही कॉल्ड मी आफ्टर द शूट एंड ही सेड, रणवीर, यू नो द रीज़न तुम्हें मैंने क्यों बुलाया है, क्योंकि तुम्हारी आँखों में कुछ है. और वो इरफान की आँखों में भी था. सर मैंने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया इससे,
मतलब वो बहुत बहुत बड़ी बात है. यस बट सो वो आई थिंक वो जो उन्होंने देखा प्रॉब्ली उस शूट में उस वजह से दे बिलीव दैट आई कुड डिलीवर दिस. I see a lot of similarity actually, sir. Irfan sir, and of course Irfan sir took it to another level also. But आप कभी भी कोई भी फेसबुक पे भी ना उनके जो पुराने फिल्मों के आते हैं ना नीचे कमेंट्स देखा करो. पता क्या लिखा होता है यार, इससे बोलते हैं एक्टिंग जहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा. एक्टिंग दिखनी नहीं चाहिए. एंड आई थिंक ये जो कमाल की बात है इस फिल्म में मुझे ऐसा दिखा है, यू नो. एंड आई थिंक दैट रियली इज कूडोज टू योर क्राफ्ट. बट देयर हैज़ टू बीन समथिंग वन और टू थिंग्स दैट यू फाउंड डिफिकल्ट. वाज एनीथिंग डिफिकल्ट फॉर यू फॉर समवन हू हैज़ कम हलवे की तरह आप इतने दूसरे प्रोफेशन आराम से करते आए. वर वन और टू थिंग्स दैट यू फाउंड डिफिकल्ट एंड वन और टू थिंग्स दैट यू फाउंड ईजी व्हाइल परफॉर्मिंग? देखिए इजी तो ये था कि आपको सेटअप इंटिमिडेट नहीं कर रहा था. बिकॉज आपको कैमराज की लाइट्स की भीड़ भाड़ की इसकी आदत है तो आपको सेटअप इंटिमिडेट नहीं Correct. करता. तो आप अपने आप को कंपोज कर लेते हैं बिफोर द डायरेक्टर सेज एक्शन. यू आर एबल टू कंपोज योरसेल्फ. करेक्ट. छूटते नहीं है आप खुद से. वो इजी पार्ट था. जो मुश्किल था वो वही था कि एक्टिंग ना हो जाए. हाँ कि एक्टिंग ना हो जाए. मतलब इफ आई एम दैट गाय देन आई विल बी दैट गाय देन व्हाई डू आई नीड टू एक्ट. वो चीज बार बार याद रहनी कि रणवीर तू तो वही है ना, तो तू एक्टिंग क्यों कर रहा है, तू वही रह ना. वो आई थिंक वो पार्ट जो है ना वो मुश्किल था. खासतौर जब आप गालियां दे रहे हैं जो मैं जनरली नहीं देता हूं और जो आप कर रहे हैं जो आप जनरली नहीं देते हैं. उस इन टू स्टे इन दैट कैरेक्टर एंड नॉट एक्ट, जस्ट बी दैट कैरेक्टर, दैट वॉज द लर्निंग. दैट वॉज फॉर मी दैट इज समथिंग दैट हैज गॉटन मी अडिक्टेड टू दिस बिजनेस. वाओ. आपकी आंखों में लेकिन एक मैडनेस भी था एक सीन में, यू नो. Are you somebody who गुरुद्वारे के बाहर वाला? हाँ, not just that also. Even when you're beating that, मैं ये कह रहा हूँ कि आप are you an angry person also? I think all of us are everything. अच्छा. I think all of us are everything. Short tempered हो लेकिन? हाँ, there are times. अगर आप एक बावर्ची हैं और आपने किसी पे कर्ची नहीं फेंकी तो I think. But I strongly believe going into this, I said the only way I can do it is if I embrace me, my life, my experiences, all of it. Right. If I embrace everything that I am and not be shy of, oh no, this is not who I am, this is not who I am, this is not who I am. Adi Sharam to, when I played a gay character there, you know, there was a lot of embracing to do. Correct. You know, there you had to be that guy and you had to say, okay, well, this is who I am. Kar lo. You know, so wo part jo tha, a conviction. और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि नहीं ये जो भी है अच्छे वो क्या है जो भी है मेरे अंदर ही अच्छे बुरे दिन भी वो सुनी रात भी यू नो मैं आई हैड रिटन अ कविता आफ्टर दैट. तो वही है कि यू हैव टू एम्ब्रेस इट कि बॉस है गुस्सा मेरे अंदर है मेरे अंदर से ही निकलेगा एक्टिंग नहीं करूँगा मैं ये भी मेरे अंदर है ये भी मेरे अंदर है ये भी मेरे अंदर है अच्छाई भी है बुराई भी है सब कुछ है एंड दैट इज़ वॉट मेक्स मी ह्यूमन एंड दैट इज़ वॉट आई विल बी. You know, sometimes जब आप फिल्में देखते हैं आपको लगता है there's a lot of talk of this also, you know, releasing just online, then releasing in theaters also. As an actor now, if you think like an actor, आपको वो गेटी वाला एक्सपीरियंस करना है, you know, you want to see on a big screen a different kind of avatar, you want to see like a Bollywood kind of avatar for yourself? मेरे को सच में कुछ ऐसा कोई वो नहीं है यार. मेरे को मुझे जो 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 मैनिफेस्ट है वो मैनिफेस्ट है कि यहाँ इस बकिंगम मर्डर्स के थ्रू मैं ऐसे ऐसी जगहें अपने सर अपने जहन में नेविगेट की हैं जो मैं आम जिंदगी में नहीं करता. करेक्ट. विच मेड मी अ बेटर पर्सन विच मेड मी रिचर आई वॉन्ट टू डाई इवन रिचर. तो वो मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हीरो बनना है और ये वाली किक करनी है वो वाली किक करनी है. If that is what you meant, I think for me, you know, well, not just for action avatar, just to see, you know, there is, I'll tell you something for you. I think it, over the years, it's become a very natural part of your existence. आज भी लेकिन लोगों को कुछ एकात when you see yourself on screen, not before. Once you see yourself, तो एक there's a certain addiction that comes with it, and not the fame addiction because you already have all that. But the addiction of performing and doing these kind of roles and watching yourself on the big screen, theater में जाकर popcorn खा के अपने आप को देखना, ये एक addiction हो जाती है ना. और ये मैंने कई actors में देखा जो बाद में आता है. Do you see yourself going that route? पता नहीं, अभी तक तो नहीं आई. But addiction है, addiction ये है कि ये जो
काम है इसके जरिए जो मिल रहा है उसका चस्का लग गया है, वो जो खुद के अंदर जा रहा है उसका चस्का लग गया है. आई विल एडमिट इट एज इट इज. आई लाइक इट. आर यू ऑल्सो गेटिंग वेरी गुड एट नेगोशिएटिंग नाउ? देखो, एक एज अ शेफ रणवीर ब्रार अलग नेगोशिएशन होती है, एक एज एन एक्टर रणवीर ब्रार अलग नेगोशिएशन होती है. हाउ यू गेटिंग यूज्ड टू दैट? That is never, I was never good at that. Fortunately, I have surrounded myself with people who are good at that. Yeah. But do you care about the money ever? You become a very big star. Does money matter? Nahin, money obviously matters, right? Gee. Money, but do I care about it? Yes, I do. But do I want to get involved in money matters? No, I don't. Because I'm not good at it. No, I'll tell you, Ayushman used to tell me and he still tells me, सलील मैं म्यूजिक में ना बहुत एक्सपेरिमेंट करूंगा, फिल्मों में नहीं करूंगा. अब मुझे फिल्में ना मेरी ब्रेड एंड बटर है, ये जो है ना मेरी ख्वाहिश है. आई वांट टू डू दिस. सो इज दैट गोइंग टू बी द केस विद यू आल्सो? मैं एक्टिंग, आई वांट टू यू नो, मेरा जो क्रिएटिव कीड़ा उसको मैं करते रहूंगा एंड आई कीप माई ब्रेड एंड बटर एज अ शेफ. इज दैट गोइंग टू बी यू और नो? आई थिंक आई विल ऑलवेज बी अ शेफ. एब्सोल्युटली. मतलब वो चीज तो आप, वो हर आपके आपकी बींग का फाउंडेशन है ना. मेरी बींग का फाउंडेशन है जो खाने के साथ मेरा रिश्ता है. आप वो हटा देंगे तो मेरी जिंदगी के 30 साल कहाँ चले जाएंगे? वाओ, करेक्ट. व्हाट विल आई डू, हु विल आई बी? तो वो तो हट ही नहीं सकता ना. वो तो बहुत अहम हिस्सा है मेरे होने का, बहुत अहम हिस्सा है. तो वो तो कहीं जा नहीं सकता. हाँ, ये जो है जो मैं अब कर रहा हूँ वो लाइक आई सेड, इट विल हेल्प मी लिव रिचर. And I think that this humbleness of this man cannot be overstated, because if you see him perform, you will not know that there is a man called Chef Ranveer Brar also. You will just see a performer who's brilliantly performing in a very, very interesting film. It's a film that had many layers to it. And I think a film that was a little misunderstood as well. A lot of people said, isme thoda aur milna chahiye. Tha aur. Bas ye tha ki aur jo aap thoda sa louder scale par expect karte hain, wo shayad waisa nahi tha. But I thoroughly enjoyed it, sir. I enjoyed the performance tremendously. और मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ always, और अकेले में देखता हूँ और मैं रोक रोक के अपने आप को देखता हूँ. My father said the same thing. जी के यार, मैंने कहा एक काम करो, अब आपने देख ली ना, हाँ दोबारा देखो. हाँ, करेक्ट. बिकॉज वो इतनी, हमको लगता है स्लो बर्नर है, लेकिन इतना डिटेल है उसके अंदर. यस. और आप डॉट्स कनेक्ट करते 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 आप जब तक डॉट्स कनेक्ट करते पिक्चर खत्म. एंड नॉट जस्ट प्लॉट लाइन, हर एक कैरेक्टर के इतने सबप्लॉट्स थे. दैट्स व्हाट आई रियली. एंड वो तो खैर ऑब्वियसली मैं बायस्ड हूँ हंसव सर के साथ में, बट एवरी कैरेक्टर हैज सच अ सबप्लॉट विद इट विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो मुझे लगता है कि दिस इज थैंक्स टू ओटीटी, वो फॉरएवर के लिए लोग देखते रहेंगे, फिर बाद में देंगे अरे अच्छा ये बहुत होने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर. थैंक यू बड़ी, रियल प्लेजर. एंड अब नए नए अवतार देखेंगे इनके अंदर, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. परफॉर्मेंसेज आर ऑलवेज माइंड ब्लोइंग, you know, when they're juiced out beautifully. And I think this character was juiced out beautifully in Buckingham Murders. Bye-bye.